बताना चाहेंगे आपको कि ऐसा भी कॉल आया जिसमें सब बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट थे, यानी कि उनको उनमें हम क्या देख रहे हैं, उग्र स्वभाव इसके लिए है कि वो लोग का ज्वाइनिंग रुकवाना है, ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो अब वो ज्वाइनिंग जिनका होना है वो ये सोच रहे हैं बीपीएससी आयोग जो है सारे कॉपी को नीलामी कर रहा है, तो वो कर दोगे तो फिर प्रूफ कहां से, अगर कॉल हाईकोर्ट मांगेगा प्रूफ तो तुम कहां से दे पाओगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे कॉल के माध्यम से कि आप क्यों इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्यों उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं। हम नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी कुछ खास मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि बिहार दरोगा का जो 2446 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली थी, जिसका मामला आप लोग खुद भी जानते हो कि कोर्ट में फंसा हुआ है और बहुत सारा बवाल उस पर हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको उनसे अलग कर दिया गया, जबकि उनका कहना है कि वो कट ऑफ में थे, उसके बाद उनको अलग कर दिया गया है, उनका मेरिट लिस्ट नहीं बनने दिया गया आयोग की तरफ से। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो पास हैं, मेरा तो हो गया है, हम तो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, उसके बाद में हमें ज्वाइनिंग में लेट क्यों किया जा रहा है, ज्वाइनिंग क्यों दिया नहीं जा रहा है, और इस पर स्टे क्यों लगा दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, बिहार हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये सभी सवाल जो कि आप भी उलझे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें उलझे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियाँ जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी बहुत सारे परेशान हैं, बोला जा रहा है इसमें धांधली हुआ है, बहुत तरह से इसमें मतलब अंदरूनी खेल हुआ है जो कि समझ में नहीं आया है। तो खैर वो सब चीज़ का तो निपटारा आयोग आपका कर ही देगा, आपका हाईकोर्ट भी कर देगा, वो तो उसका बात है। लेकिन जहां तक बात रहा स्टूडेंट का, क्योंकि इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम स्पष्ट रूप से सभी बातों को, जैसे कि आयोग का जो भी रूल है आपका एग्जाम लेने का, यानी बिहार दरोगा का एग्जाम जैसे लिया जाता है, तो आपका जो आयोग है बीपीएसएससी उसका जो रूल है एग्जाम लेने का, कैसे वो कट ऑफ शो करता है, किस चीज़ का कट ऑफ देता है, मिनिमम कट ऑफ देता है, वे बहुत सारे प्रक्रिया जो कि था आपको बताया था, उसका थंबनेल आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, इस वीडियो का लिंक आपको अंतिम में देंगे, बहुत सारी जानकारी इसमें छिपी हुई है, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसी पर से बवाल होने लगा, मुझे भी बहुत सारे फ़ोन और कॉल्स आने लगे, जैसे कि इसमें हम अपना नंबर भी दिए थे कि यानी कोई भी कन्फ्यूजन आपको है या आप सिलेक्टेड हैं या आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि मेरे साथ दिक्कत है, मतलब कि कट ऑफ में हम थे उसके बाद नहीं हुआ है, मेरा मेंस में कट ऑफ सही था, उसके बाद फिजिकल मैंने दिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं हुआ जबकि मेरा नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है। तो बहुत सारे का परेशानी, यानी कि बहुत सारे कॉल मेरे पास आने लगे। तो उसमें से बहुत सारे कॉल में से हम बताना चाहेंगे आपको कि ऐसा भी कॉल आया जिसमें से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट थे, यानी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। हाल ही में मतलब कल ही एक हमें कॉल आया है एक लड़की का जो सिलेक्टेड थी, काफ़ी मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उनका बात विचार था, वो समझ में हमको ऐसे आ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, हम समझ पा रहे थे। वो सिलेक्टेड थी, यानी कि उनका सिर्फ अब ज्वाइनिंग बाकी है, वो सिलेक्टेड थी और बहुत अधिक मतलब बोल रही थी उनके बारे में जिनका नहीं हुआ, 268 लोग जो केस कर चुके हैं उनके बारे में क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो हम उनको समझाने का भी प्रयास किए कि देखिए आपकी लड़ाई आपके साथी से नहीं है, यानी कि जो सेलेक्ट हो गए हैं, जो अनसेलेक्ट हैं वो तो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, आपके साथ बैठ के एग्जाम दिए हैं, उनसे आपकी लड़ाई नहीं थी ना है ना रहना चाहिए। यहां पर गड़बड़ अगर कुछ भी है तो हाईकोर्ट में जवाब किसको देना होगा, आयोग को देना होगा। अगर आप सवाल उठाते हैं कि मेरा कट ऑफ से ज्यादा था उसके बाद नहीं हुआ, और किसी का कहना है कि मेरा कट ऑफ मतलब हम उतना ले आए थे, मेरा मेरिट ये बनना चाहिए था, मेरा मेंस में उतना नंबर था, फिजिकल हम पास थे, सर्जेंट का भी फिजिकल में हम पास थे, उसके बाद कट ऑफ में नहीं आए हैं, तो ये सब का जो मतलब निपटारा करना है, ये सब बातों को जो मतलब सही रूप से स्पष्ट रूप से आपके पास लाना है, ये किसका काम है, हाईकोर्ट का काम है, और उसको जवाब किसको देना है, तो आपके आयोग को देना है, आप लोग को कोई भी जवाब नहीं देना है। और आप जो इतना टेंशन में थे, वो जो एक दो दिन पहले जो लड़की का कॉल आया था, वो लड़की इतना ज़्यादा टेंशन में थी कि बोल रही थी कि हम सेलेक्ट हो चुके हैं और मतलब हमें ऐसा लग रहा है, आप समझ सकते हैं मेरा दर्द कितना होगा, हम सेलेक्ट हो चुके हैं और अटका हुआ है, शायद उनसे पहले भी वो जॉब छोड़ के कोई आ चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही थी। तो वो टेंशन आपको लेने से आपका आयोग अलग फैसला नहीं सुना देगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। जो हाईकोर्ट मांगेगा अगर वो आपके आयोग दे पाता है स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से, तब जाकर के आप लोग का मामला आगे बढ़ेगा। और ये सब में कम से कम 2-3-4 महीना तो आराम से लगना है जो हम बोल देते हैं। इसलिए ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी मामले को अगर कोर्ट में ले जाया जाता है तो इतना जल्दी सॉल्व नहीं होता है, डेट पर डेट बनते जाता है। जैसे कि आपको पता होगा 3 जनवरी को डेट दिया गया है कि उसमें जाकर के आपका सुनवाई होगा, तो देखते हैं उसके बाद क्या होने वाला है। तो हम किसी को गलत सही नहीं बोल रहे हैं, यानी कि जो सिलेक्टेड है, जो अनसेलेक्टेड है, जिनका कट ऑफ में नहीं है नाम, तो वो गलत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। गलत यहाँ पे आयोग है कि कुछ ना कुछ तो वो छुपाता है, तब तो आप लोग में कन्फ्यूजन होता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ सब चीज़ स्पष्ट रूप से बता देगा उसके बाद भी आप लोग को दिक्कत आना होगा, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग अपने आप में फ्रस्ट्रेट ना हो। हम क्या देख रहे हैं, जो अभी की स्थिति हम देख रहे हैं, जो अनसेलेक्टेड है, जो 268 लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं जो मतलब केस कर दिए हैं जाके कि ये जो है वैकेंसी रद्द होनी चाहिए या री एग्जाम होना चाहिए, जो भी वो चाह रहे हैं, उनमें हम क्या देख रहे हैं, उग्र स्वभाव इसके लिए है कि वो लोग का ज्वाइनिंग रुकवाना है, ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो अब वो ज्वाइनिंग जिनका होना है वो ये सोच रहे हैं कि ये मेरा विरोधी है, ऐसा नहीं, वो आपका ज्वाइनिंग इसलिए रुकवाना चाहते हैं। अब देखिए रुकवाएं या ना रुकवाएं वो अलग बात है, इसलिए रुकवाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप ज्वाइन कर जाएंगे तो मेरा फिर कौन सुनेगा, फिर कहां जाएंगे हम, कितना दिन तक केस लड़ेंगे, अगर अभी ज्वाइनिंग नहीं होता है रुकवा देते हैं तो हो सकता है हमें भी साथ में ले जाए, साथ में सीट बढ़ा करके हमें ले ले, उसके बाद ज्वाइनिंग करा दे, इस कारण से उन
उनका सिर्फ और सिर्फ ये जोर है कि ज्वाइनिंग पर रोक लगाया जाए ताकि सब लोग का ज्वाइनिंग एक साथ हो सके और हम लोग पर मतलब निष्पक्ष फैसला आ सके, हम लोग खुश हो सके, सबका मतलब कि सही से वहाँ पर सब चीज़ हो जाए। और जिनका ज्वाइनिंग होना है, जो कि सेलेक्टेड है, वो इस बात से नाराज है कि तुम लोग मेरा ज्वाइनिंग रुकवा के रखे हुए, स्टे लगवा दिया है, तुम लोग 268 लोग हैं, उसके बाद स्टे लगा सकता है, हम लोग 2446 है, क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह का उग्र स्वभाव जो आप लोग खुद के बीच में है, आप लोग अपने मित्र के बीच में है, ये गलत है। आप दोनों को साथ में बैठ करके अगर आप चाहते हैं इस तरह का बात विचार, तो आप लोग को भी हम गांधी मैदान में बुलाएंगे, जो अनसेलेक्टेड है, जो सेलेक्टेड है उनको भी बुलाएंगे। आपस में विचार कर करके आप आयोग पर उंगली उठाइए कि आयोग अगर आज सही हो गया तो कल आपके बच्चे के साथ, आपके भाई के साथ, आपके परिवार के साथ भी ये होने वाला है, तो इसको आज ही अगर सुधार कर लिया जाए तो आगे ये नहीं होगा। सामने में एक वैकेंसी और है जिसका एग्जाम 26 दिसंबर को होना है, तो उसमें भी ये सब प्रक्रिया देखा जाएगा, आगे जाके लोग कंफ्यूज होंगे। तो ये सब चीज का निपटारा कब होगा? जब कोई ना कोई आवाज उठाएगा तब होगा। तो दिक्कत कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आयोग में दिक्कत है। इसका जो खुलासा होगा वो हाईकोर्ट में होने वाला है। और क्या होता है कि यानी कि मतलब देखेंगे हम लोग कि उसके साथ क्या होता है। आयोग अगर गलती कर रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम गलत कहाँ पे हैं, उसको जुर्माना देना होगा। और जहां तक रहा आप लोग का ज्वाइनिंग का बात, तो आप लोग के कंफ्यूज होने से, यानी कि मतलब आप लोग अगर इतना टेंशन में रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे कि हमें मेरा क्या होगा, ज्वाइनिंग होगा नहीं होगा, इतना मेहनत किए थे, जिंदगी का ये बहुत बड़ा पड़ाव होता है, यहाँ पर जाकर के हम फैसला नहीं ले सकते हैं जिंदगी के आगे का, कि आगे फिर से हम, और बहुत सारे इसलिए भी कंफ्यूज है कि मतलब जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो 26 दिसंबर में एग्जाम दे या ना दे। वो लड़की खुद बोल रही थी जो कॉल की थी कि हमें एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप बताइए। अब देखिए उनका क्या ये मतलब मेंटलिटी बन गया है कि अब मेरा तो सिलेक्शन हो गया, हम तो दरोगा बन गए हैं, तो अब हमें एग्जाम नहीं देना होगा। और ये चीज़ जो है आपके अंदर कहीं ना कहीं निगेटिविटी फैला रहा है। आप अपना काम कर दिए है ना, अपना अपने तरीका से, आप अपने आत्मविश्वास से आप मेरिट तक पहुंचे हैं, मेरिट आपका बन गया, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। तो यहाँ पे भी आपका ही काम बनता है कि आप जितना अपने अंदर से पॉजिटिव रह सके। आपके साथ कोई और नहीं था जब आप एग्जाम दे रहे थे, आप खुद थे, आप अपने बल पे उस एग्जाम, तो आपको अपने अंदर धैर्य भी रखना चाहिए इस एग्जाम को लेकर के, यानी कि आपने अपना पूरा काम कर दिया गया है। आप देखेंगे हाईकोर्ट में फंसा हुआ मामला कितना जल्दी आगे आता है और किसको क्या होता है। यहां तक देखेंगे आप, इसी बीच में एक अमीन का जो बहाली था वो भी कैंसिल कर दिया गया, सारा प्रोसेस होकर के उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। सोचिए उन लोग पर क्या गुजरा होगा जो कि एग्जाम पास कर चुके होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे, फॉर्म भरे होंगे, कितना मतलब शेड्यूल होता है किसी भी चीज का, कहीं रह करके वो तैयारी करते हैं, उतना मेहनत उनका बेकार हो गया। और अब ऐसा तो नहीं है कि जो लोग सेलेक्ट हो चुके थे फिर से अमीन का बहाली आएगा, फिर से वही लोग सेलेक्ट होंगे, जगह बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, तो जिनका हुआ था वो फिर अगले कोई लोग हो जाएंगे। तो ये हमेशा कहना कि टैलेंट आप में है तो आप निकल जाइएगा, एक बार निकल के दिखा दिया फिर अगले बार आप दूसरा आ जाएगा, तो ये लक पर भी डिपेंड करता है कि उनका लक कैसा होता है। तो ये चीज़ जो है आयोग का गलती था, वहां तो हम यही कहेंगे कि अमीन का जो बहाली लिया था, जिस आयोग से लिया गया था, वो आयोग का कितना बड़ा गलती, उसमें बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाना चाहिए, उस पर कुछ ऐसा कार्रवाई करना चाहिए, कोई जिंदगी में इस गलती को नहीं दोहराए, इस चीज़ पर होना चाहिए। तो यही हम भी चाहते हैं कि आपका जो आयोग है बीपीएसएससी, इस पर बहुत बार आप देखेंगे इसका पीटी का एग्जाम जो 2019 में हुआ था दिसंबर में, उसी समय से इस पर आरोप लगने शुरू हो गए थे कि यानी सेटिंग हुआ है। फिर मेंस में गया तो वहां भी बहुत सारे सेटिंग का आवाज़ हल्ला हुआ। मानते हैं कि सब चीज़ सही नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही हल्ला नहीं होता है, कुछ लोग को देख करके, कुछ लोगों के जुबान से सुन करके, कुछ लोग को विश्वास कर करके ऐसा किया जाता है, बोला जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भी झूठ नहीं हो सकता है। उसका देखेंगे फिजिकल हुआ, फिर मेरिट लिस्ट बना, तो मेरिट लिस्ट में तो मतलब पूरा बवाल ही हो गया, लोग मतलब हल्ला ही कर दिए कि यहाँ पर तो मेरा हुआ नहीं, मेरा हुआ नहीं। तो यहाँ पर आयोग की भी गलती है, हम मानेंगे कि आयोग की गलती है, उसको बहुत चीज़ में अपनी सुधार करनी चाहिए, जिसमें आप देखेंगे वो जो RTI जितने भी लोग कर रहे हैं, 268 लोग हैं जो कि केस किए हैं, या बाकी जितने भी लोग को अनसेलेक्ट किया गया है, तो वो जब केस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप वो RTI जब डाल रहे हैं, तो उसका जवाब सही से आयोग दे नहीं रहा है। क्या सोच करके आयोग जवाब सही से नहीं दे रहा है? मतलब जब भी हम सुने हैं, मेरे पे कॉल जितना आया, कम से कम 200 से 300 कॉल अभी तक मेरे पे आ चुके हैं, उतने दिन से बहुत ज़्यादा कॉल आ चुका है, तो हम सीधा पूछते हैं कि आप क्या क्या किए जो आपको जवाब नहीं मिला। तो बोलता है हम RTI डाले और जितना भी जवाब आया वो हमको एक भी संतुष्ट नहीं किया, यानी कि जब भी जवाब हम RTI में दे रहे हैं कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए ये बताइए, कितना कट ऑफ था दरोगा का ये बताइए, तो वहाँ से बोला जा रहा है कि आप गलत रोल नंबर डाल दिए हैं, आपका ये नहीं सुनवाई होगा, ये अभी नहीं देखा जा रहा है, बाद में इसका रिप्लाई आएगा। मतलब अजीब टाइप का रिप्लाई वहाँ पे, किसी तरह से बात को काटा जा रहा है। और अंतिम रूप से ये भी रिप्लाई देखा जा रहा है RTI का, वो हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से नहीं लगा सकते हैं, मेरे पास कुछ रिप्लाई जो है रखा हुआ है, ये भी देखा जा रहा है कि बोला जा रहा है अंतिम में कि आपका जो नीलामी कर दिया गया है कॉपी का, वहाँ पे अब आपका कॉपी चेक भी नहीं होगा, वहाँ पे कुछ प्रूफ आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपका कॉपी का नीलामी किया जा रहा है। ये कितना बड़ा गलती है बताइए, कि अभी ये मामला हाईकोर्ट में फंसा हुआ और तुम मेरे कॉपी को नीलाम कर दोगे, BPSSC आयोग जो है सारे कॉपी को नीलामी कर रहा है, तो वो कर दोगे, तो फिर प्रूफ कहां से, अगर कल हाईकोर्ट मांगेगा प्रूफ तो तुम कहां से दे पाओगे? तो ये काम उसको नहीं करना चाहिए। वो मैसेज के तौर पर ये कर रहा है, उसको रिप्लाई दे रहा है, तो RTI का रिप्लाई जो दे रहा है, तो ये सब चीज़ को देखते हुए लगता है कि आयोग कहीं ना कहीं गलत है, तब तो ऐसा काम कर रहा है। उसके बाद
कार्बन कॉपी देना है, ना निष्पक्ष रूप से आपको क्वेश्चन ले जाने घर देना है। क्या है ऐसा तुम्हारे क्वेश्चन में कि अगर हम घर लेके आ जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा? ऐसे क्या क्वेश्चन बाहर में नहीं आता है, मार्केट में नहीं आता है? तुरंत तो एग्जाम शुरू हुआ 15 मिनट में क्वेश्चन मार्केट में आ जाता है, पूरा फोटो के साथ, हर एक पेज के साथ, हर एक क्वेश्चन सही से आता है, तब तो लोग यूट्यूब पर डिस्कशन करवा पाते हैं हर एक क्वेश्चन का। तो तुम क्या सोच लेते हो कि क्वेश्चन अगर हम घर लेके आ जाएंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग कहीं ना कहीं चाहता है कि बहुत सारी चीज को हम छुपा करके रखेंगे ताकि लोग नहीं जान पाएंगे, तो बाद में हल्ला भी नहीं कर पाएंगे। और आज ऐसे लोग नहीं है, आज जमाना जो है डिजिटल हो चुका है, बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं। तो इस चीज को आयोग की भी चाहिए कि बहुत सारी चीजें जो है निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से सबके सामने पहुंचाया जाए, दिखाया जाए सबको क्या तुमने किया है, कितना स्कोर है, कितना कट ऑफ है। बहुत सारा एग्जाम ऐसा करता भी है, आप अदर स्टेट का एग्जाम देखेंगे, सेंट्रल लेवल का एग्जाम देखेंगे, हर चीज आपको देता है, क्वेश्चन भी देता है आपको, हर आंसर की भी देता है, आपका कार्बन कॉपी भी देता है, कट ऑफ भी बताता है, हर चीज बताया। क्यों नहीं बताएगा? मेरा एग्जाम है, हम दे रहे हैं, मेरा क्वेश्चन तुम नहीं बताएगा, मेरा कट ऑफ तुम नहीं बताएगा, तुम किस प्रकार का एग्जाम दे रहा है तुम खुद सोचो। बिहार पुलिस में भी आप ऐसा ही देखते होंगे, कितना बदनाम है। तो इस तरह से हम आयोग पर, सबसे बड़ा आरोप हम आयोग पर लगाना चाहते हैं, जिसका फैसला हाईकोर्ट जरूर करेगा। हाँ, ये हम कभी नहीं चाहते हैं कि 2446 जितने भी लोग हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो रिजेक्ट हो चुके हैं, उन पे कोई आंच आए। अगर जो भी सही है, जो भी लड़का अगर कट ऑफ को क्वालिफाई करता है और वो मेरिट मतलब बनना चाहिए था उसका, उसके बाद नहीं बना है, तो उसको जरूर आयोग को लेना चाहिए, सीट बढ़ा के ले, जैसे भी ले उसको लेना चाहिए। और जो सेलेक्टेड हैं उनको तो उनको लेना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का मामला है। अब आप लोग आपस में लड़ाई करिएगा, बताइए कि ये हाथ काटे कि ये हाथ काटे, किसको दर्द होगा? हम ही को होगा। तो आप लोग सेलेक्टेड को दिक्कत हो या अनसेलेक्टेड को दिक्कत हो, किसी न किसी स्टूडेंट को ही दिक्कत होना है। आप चाहिए कि हम लोग सेफ रहे, आयोग को दिक्कत हो जाए ताकि वो कल सुधर जाएगा, ठीक है? इस चीज पर आप लोग जरूर फोकस करिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे कॉल के माध्यम से कि आप क्यों इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्यों उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं। हम किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहे, हम जो देखे, जो सुने और जो आयोग का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो आपको हम बताने का प्रयास किए। इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिएगा, अगर आपका बीपीएसएससी आयोग कल बोल देता है कि बिहार में अब जितनी भी बहाली आएगी दरोगा की सब में सेटिंग होगा, वो बोल दिया, ठीक है, और हम इस न्यूज़ को आपको YouTube के माध्यम से दिखा दिए, तो हम गलती किए बताइए? यही तो हम किए कि आयोग का जो भी था बोला कि मिनिमम कट ऑफ है वो बताया, उसके बाद क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस उसका ज्वाइनिंग का वो बताया था, तो वो आपको हम बता दिए, तो क्या हम गलत किए, किसी का सपोर्ट किए? ये चीज़ नहीं था। इस चीज़ को समझिएगा, हम आपको सूचना पहुंचाए, और गलत सही का जो फैसला होगा वो तो आपका हाईकोर्ट करेगा ही, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि आपका आयोग गलती में है, उसको गलती अपना सुधारना होगा और बहुत सारे चीज़ में बदलाव करना होगा, जो कि 2213 पर भी इफेक्टेड हो सकता है, पहले ही हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका भी एग्जाम वैसे ही लिया जाएगा, वैसे ही हल्ला फिर से होगा। तो ये हल्ला क्यों होता है तुम स्पष्ट कर दो सब चीज़ को, हल्ला वगैरह कुछ नहीं होगा। तो हम कभी भी स्टूडेंट के विरोध में नहीं है, क्योंकि आप भी मेरे साथी हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो रिजेक्ट हैं वो भी मेरे साथी हैं। दिक्कत है तो आयोग में है, ठीक है, इस चीज़ पे हम करने वाले। तो बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन लोगों में है, बहुत ज़्यादा डर है, उनको लग रहा है कि पता नहीं ये स्टेक मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये कितना दिन तक स्टे रह सकता है, क्या बहाली कैंसिल होगी। बहुत सारे लोग तो खुश भी हैं, मन मन मतलब मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, री एग्जाम कर देगा तो फिर से हमें पीटी देने का मौका मिल जाएगा, या फिर से इस बहाली को लिया जाएगा तो फिर से एक चांस मेरा बढ़ जाएगा। तो इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें जेल वालों का जो जेल का पोस्ट था उसमें सबका जो है ज्वाइनिंग करवा दिया गया है। इतना आसान नहीं है किसी भी वैकेंसी को मतलब आराम से आप कैंसिल कर दीजिएगा, आराम से फिर से ले लीजिएगा, नहीं होता है। वो लोग धरना देने लगेंगे, 2446 जितने भी, वो छोड़ेंगे थोड़ी, अंतिम लेवल अपना लगा देंगे, क्योंकि उनका तो जिंदगी मौत के बीच सवाल आ जाएगा, क्योंकि वो सेलेक्ट हो चुके हैं। इस चीज़ को भी आप लोग समझिए। तो ये चीज़ इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ प्रयास हो सकता है आयोग को सुधारने में। और आप लोग जितने भी स्पष्ट रूप से उसमें हैं, क्वालिफाई हैं उस कट ऑफ में, आपको भी लिया जाना चाहिए, ये मेरा है। और जो भी है प्रक्रिया कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ तो दिख ही रहा है, और हाईकोर्ट उसको अच्छे से क्लियर करेगा, हमको उम्मीद है। और अगला जो 2213 के लिए है उसमें आप लोग को एग्जाम देना चाहिए। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वो पूछ रहे थे कि एग्जाम दें या ना दें, जरूर आप लोग एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? फ्रस्ट्रेट आप क्यों है, क्या दिक्कत आपको हो गया, तो आपने क्या पाया था जो आपने खो दिया? तो इस चीज़ को समझिएगा। जो भी फैसला आएगा वो आप लोग के पक्ष में ही आने वाला है, मुझे जैसा लगता है। स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, जो भी फटकार लगेगा आयोग को लगेगा। इस चीज़ को 3 जनवरी को क्लियर भी किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग कंफ्यूज जरा सा भी नहीं रहिए, टेंशन में जरा सा भी नहीं रहिए, पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम को जरूर दीजिए। जो भी एग्जाम है आपका, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, ये आपका दरोगा का पीटी का एग्जाम है 2213 वाले के लिए, सब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित है। चलिए फिर देखेंगे, जो भी अपडेट आएगा आपके सामने रखने का जरूर हम प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, जो भी आप लोग का सवाल है नीचे कर दीजिए, हम उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, या किसी वीडियो में मोटिवेशन के तौर पर आपको हम समझा देंगे कि आपको आगे क्या करना है, किस तरह का सूचना आपके लिए आया है, कौन सा जरूरी है, कौन सा आपके लिए जरूरी नहीं है, ये सब चीज़ आपको बता देंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर 2446 के सेलेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं, कट ऑफ में नहीं है, आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, नीचे वीडियो में जरूर बता दीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि अब आप क्या सोच रहे हैं, आगे आपका प्लानिंग क्या है। उसमें हम अगर आपका हेल्प कर सकेंगे तो जरूर एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे, ठीक है। इससे पहले का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर नए हमारे वीडियो पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का दरोगा पे, पुलिस पे, बिहार पे, बहुत सारे वैकेंसी पे मेरा वीडियो आते रहता है।
तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।